हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ बाहुबली 2 के रन टाइम के बारे में, यानी कि चाइना में कितने घंटे ये फिल्म चलेगी या कितनी लंबी फिल्म होगी वो मैं बताता हूँ। सेंसर सर्टिफिकेट जो इसे मिला है उसके बाद जो इसका रन टाइम है वो बहुत ही कम हो चुका है। पहले ये फिल्म नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2 घंटा 47 मिनट की फिल्म है, 2 आवर्स 47 मिनट्स और 2 आवर्स 47 मिनट्स की फिल्म है, यानी कि 2 घंटे 47 मिनट। उसे अगर हम मिनट्स में सिर्फ कन्वर्ट करें तो वो होता है 167 मिनट्स। जी हाँ, और चाइना में जो फिल्म रिलीज हो रही है, मतलब बाहुबली का जो सेंसर वर्जन, सेंसर मतलब कट वर्जन, मतलब प्रॉपरली वो है 141 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा 21 मिनट। जी हाँ, 2 घंटा 21 मिनट की फिल्म है, आई थिंक बिल्कुल हाँ। तो 2 घंटा 21 मिनट की फिल्म है, यानी कि 26 मिनट की कटौती है, आई मीन 26 मिनट कम हो गए जो ओरिजिनल वर्जन इंडिया में रिलीज हुआ था या बाकी और कंट्रीज में रिलीज हुआ था, वो था 2 घंटा 47 मिनट का। लेकिन ये जो रिलीज हो रही है चाइना में ये होगा 2 घंटा 21 मिनट तक का, तो ये 26 मिनट कट होगा। और मेरे ख्याल से ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो आई थिंक हम जो जानते क्या उसे कहते हैं गाने वगैरह शायद बिल्कुल कट होंगे, क्योंकि गाने वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं चाइना में हिंदी फिल्मों के। शायद कोई एक मेन सॉन्ग होगा तो होगा, अदरवाइज बाकी तो जो भी रहेंगे स्क्रीन टाइम, बाकी जो डायलॉग्स वगैरह वो सब रहेंगे रहेंगे। यहाँ पर ये फिल्म किस तरह से चलेगी इस पर अभी बहुत ज़्यादा सवाल या निशान होगा लोगों के दिमाग में होगा कि भैया क्या करेगी ये फिल्म, कैसे चलेगी। बट मुझे उम्मीद है कि फिल्म बढ़िया कमाल करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लोगों को देखना पसंद नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म बढ़िया चले। वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही।